मेरे सारे व्यूअर्स को चैनल चिली एंड गार्लिक में वेलकम, स्वागतम, खुशामदीद, सलाम। आज मैं आपके सामने जो डिश बनाऊंगी वो एक हेल्दी वर्जन है बर्गर का, जिसका नाम है न्यूट्री बर्गर। देखते हैं अब इसमें क्या हम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे। न्यूट्री बर्गर बनाने के लिए हमने लिए सोयाबीन चंक्स, जो कि हमने 2 कप लिए हैं। 2 आलू लिए जिसको हमने बॉयल करके मैश कर लिया। 2 हरी मिर्च बारीक चॉप कर लिया। 1/4 कप हमने कॉर्न लिए, बॉइल्ड कॉर्न या फ्रोज़न कॉर्न कोई भी आप ले सकते हैं। और ये लिया हमने शिमला मिर्च, जो कि 1/4 कप है, बारीक चॉप कर लिया इसे। और 1/4 कप ही हमने हरा धनिया लिया, इसे भी बारीक चॉप कर लिया। 2 टीस्पून गरम मसाला लिया है, 2 टीस्पून चाट मसाला लिया। 1 छोटी प्याज के हमने रिंग्स काट लिए। थोड़ी सी सैलड लीव्स लिए, आप लेटस भी ले सकते हैं या पालक भी ले सकते हैं, सोया भी ले सकते हैं। और ये हमने लिया टमाटर, इसके भी रिंग्स काट लिए। पानी हमने बॉईल कर लिया, अब इसमें हम ये सोया चंक्स डाल देंगे और इन्हें 10 से 15 मिनट बॉईल करेंगे मीडियम फ्लेम पर। सोया नगेट्स डबल हो गए साइज़ में और बॉईल हो चुके, इन्हें अब हम फ्लेम ऑफ करके निकाल लेंगे। इन्हें निचोड़कर हम ग्राइंडिंग जार में डालेंगे और दरदरा सा पीस लेंगे। ये सोया चंक्स पीस चुके हैं और देखें ये दरदरा सा इनका पेस्ट बन गया। आप चाहें तो आलू स्किप भी कर सकते हैं, थोड़ा सा मिला देंगे तो इसका भी अच्छा टेस्ट आता है। तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें आलू मिलाएंगे। इसके साथ ही ये हरा मसाला सारा मिला देंगे। गरम मसाला डालेंगे और चाट मसाला डालेंगे और इसको अच्छी तरह मिलाएंगे। इसके अब हम बर्गर बनाना शुरू करेंगे। जितना बड़ा आपको बनाना है आप उतना ले लीजिए बैटर। फ्लेम ऑन कर दिया है हमने और पैन में थोड़ा ऑयल डाला है, अब इसमें हम ये फ्राई करते हैं। फ्राई करने से पहले आप ये भी टेस्ट करके भी देख सकते हैं कि आपको नमक मिर्च कितना चाहिए, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा ऑयल डालते रहें ताकि ये अच्छी तरह सिकता रहे। एक साइड से फ्राई हो जाए तो आप साइड चेंज कर दें। थोड़ा ऑयल डालें, बर्गर तैयार हो चुके, फ्लेम ऑफ करते हैं। अब इसकी हम प्लेटिंग करेंगे। अब इसके लिए बन ज़रूरी है तो हमने बन ले लिए, आप किसी भी किस्म के बन ले सकते हैं। तो इनको हमने हाफ़ कर लिया
अब इस पे हम रखेंगे अपनी ये बर्गर। इस पे लगाएंगे हम अनियन रिंग्स या अनियन के स्लाइस लगा दें। सैलड लीव्स लगाएंगे। इसके साथ ही हम थोड़ी सी मायनीज लगाएंगे। थोड़ा केचप, टमाटर के स्लाइस, इसके ऊपर थोड़ा मायनीज और लगाएंगे। थोड़ी केचप, और फिर हम लगाएंगे ये बन और स्टिक के साथ इसे स्टिक कर देंगे। न्यूट्री बर्गर का अगर आप बैटर बना रहे हैं और वो थोड़ा सा पतला हो जाए तो आप कॉर्नफ्लोर भी उसमें मिला सकते हैं, जिससे आपका बैटर अच्छा हो जाएगा और आपके बर्गर बहुत बेहतरीन बनेंगे। तो बर्गर हमने तैयार कर लिए। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिए और बहुत ही हेल्दी हैं, बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे और बड़ों को भी बहुत पसंद आएंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। एक नए वीडियो में नई डिश के साथ फिर हाज़िर होती हूँ। Thanks for watching.